सफलता उम्र नहीं देखती बल्कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मैं अदिति केड़े आपके मन पसंदीदा न्यूज चैनल वायरल झारसुकड़ा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम आ चुके हैं झारसुकड़ा के JSW BPSL टाउनशिप के मनाली बेरा के घर, जिसका नाम ना सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है बल्कि वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी आया है। तो चलिए अब हम उनसे मिलते हैं, उनके मम्मी पापा से मिलते हैं और जानते हैं कि इस अचीवमेंट के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। तो बेटा, आपको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम आया है, वर्ल्ड बुक में भी आया है और हम लोग सुने हैं कि सूर्य नमस्कार 101 में भी आप किए थे और आप ओडिशा को रिप्रेजेंट किए थे नेशनल बुक में। तो आप हमको करके दिखाओगे? तो जैसे कि हमने देखा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ इसने अचीव कर लिया है, जो चीज़ हम आप नहीं कर सकते वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्ची कर दे रही है। हम आशा करते हैं कि इसका आगे भी जाके फ्यूचर ऐसे ही ब्राइट हो। तो चलिए अब हम इसके मम्मी पापा से जानते हैं कि उनका मनाली और उसके अचीवमेंट के बारे में क्या कहना है। तो इसका जो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो नाम आया है, उसका प्रोसेस क्या था, आपको पता कैसे चला? हमने मनाली का जितना योगा का पिक्चर था वो सब आप सोशल मीडिया में डाले थे, वहाँ से ही पता चला। तो फिर वहाँ से एक दिल्ली से एक टीचर आके हम लोगों को गाइड किया, तो हमारी टीचर लोगों के सामने वो रिकॉर्ड का प्रोसेसिंग पूरा हुआ था। अचीवमेंट के पीछे किन किन का हाथ है? ऑब्वियसली हमारी गुरुजी घनश्याम महर जी, ज्योत्सना मैम एंड सब, और एक टीचर है जिन जोगीराज मोहित बोल के, जिनके अंडर में सब कुछ हुआ था। तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर प्लान्स क्या होना चाहिए? हम लोग तो उसको सपोर्ट पूरा करेंगे, योगा करती है अच्छा, अगर उसको योगा में जाना है जा सकते, उसको जो मर्जी चाहे जिसमें उसको कम्फर्टेबल फील करे हम उसमें उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमने मनाली की मम्मी से तो उसके बारे में जान लिया, चलिए अब हम उनके पापा से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। तो सर, उनकी मम्मी से तो जान लिया कि उनका किस तरीके से सपोर्ट था, आपने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया? कि देखिए, बच्चे उनका उसका खुद का ऊपर डिपेंड है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग खाली सपोर्ट करेंगे, बाकी उसका मर्जी, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसी को लेके वो आगे बढ़ेगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट था, तो आपका रिएक्शन कैसा था? मेरा रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना छोटा सा उम्र में इतना कुछ बच्चे कर रही है, ये समाज के लिए एक मैसेज जा रहा है कि और भी बच्चे इसके तरह और भी कुछ करें और इस झारसुगड़ा का कुछ नाम रोशन करे। आप अपनी ड्यूटी में बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी वो इतने क्लासेस अटेंड करती है, डांस हो गया, योगा हो गया, तो उस तरफ आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं? देखिए, जब कोई योगा का क्लास रहता है या तो डांस का क्लास रहता है तो मैं अपना ड्यूटी एडजस्ट करता हूँ, तो ड्यूटी एडजस्ट करके मैं इन लोगों को लेकर जाता हूँ क्लासेस, और अगर ड्यूटी एडजस्ट नहीं हो पाता है तो मनाली की मम्मी है वो खुद ही लेके जाती है। पापा से भी बात कर ली, चलिए अब हम मिलते हैं इनके गुरु से और जानते हैं कि वो इसके जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है मनाली की एक मैम, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आप इसको किस तरीके से गाइड करती हैं? एक्चुअली मैं इसको बेसिक चीज़ें ज़्यादा सिखाती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको टेक्निक सिखाती हूँ। कोई भी आसन में आप जा रहे हैं तो इसकी टेक्निक क्या होती है, एक आसन को करने के लिए कम से कम 12 या 14 आसन करना होता है, तब जाके एक आसन अटेम्प्ट होता है, तो मैं वही चीज़ उसको सिखाती हूँ। तो और भी बहुत से बच्चे को आप सिखाती होंगी, लेकिन मनाली में ऐसी क्या बात है कि वो इतने आगे तक पहुँच गई? एक्चुअली सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है, पर मनाली में एक चीज़ है, वो डेडिकेशन है। अगर मैं उसको एक टास्क दे दी तो ये एनी हाउ वो उस चीज़ को अटेम्प्ट करती है। मेरी क्लास एक घंटे की चलती है, लेकिन ये एक क्लास के वो एक घंटे के बाद भी वो 2 घंटा 3 घंटा वो एक्स्ट्रा देती है। आप ही लोग का सपोर्ट की वजह से वो इतना आगे पहुंची है। तो जब उसको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली तो उससे आपका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और वो रिजल्ट दे रही है मुझे, और उससे क्या बेहतर होगा रिएक्शन, क्योंकि मैंने कुछ बनाया और वो प्रेजेंट हो रही है, सब लोग उसको देख रहे हैं,
और उसको इंजॉय कर रही है, इसलिए इसके इससे ज़्यादा तो मेरे लिए कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती है। हम यहाँ इनके एक गुरु से मिले, चलिए अब हम इनके दूसरे गुरु से मिलते हैं। उनका भी झाड़सुकड़ा में बहुत नाम है और जो इस मुकाम तक वो पहुँची है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मनाली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है और उनके सर उनको सिखा रहे हैं, तो चलिए अब हम इनके गुरुजी से जानते हैं कि वो मनाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो सर, मनाली जो इतने आगे तक पहुँची, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट उसको मिली? वो तो मेहनत बहुत करती है और जो भी मतलब उसको कहा जाए वो करके दिखाती है और बार बार उसे प्रैक्टिस करती है, और उनकी जो मम्मी है उसे बार बार प्रैक्टिस कराती है। इसीलिए मैं हर समय कहता हूँ कि सबसे बड़ा माता होती है, सबसे ऊंचा पिता होती है, मंजिल को राह दिखाने वाला गुरु होता है और मंजिल को प्राप्ति करने वाला खुद का मेहनत और टैलेंट होता है। तो सर, अभी हमने उसके प्रैक्टिस के दौरान देखा कि उसकी बॉडी कितनी मतलब कितना फ्लेक्सिबल है उसका बॉडी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो फ्लेक्सिबल तो ऐसे नहीं होता कि पहले से नहीं होता, वो गुरुजी लोग को कुछ मेहनत करके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँची, तो ऐसी क्या खास बात है उसमें? एक जुनून, उसमें एक जुनून है कि मैं आगे कैसे पहुँचूं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने उसके मम्मी पापा दोनों गुरु सबसे हम मिले और हमको पता चला कि वो कितनी डेडिकेटेड है, कितनी फ्लेक्सिबल है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे जितने टैलेंट्स हैं हम आपके सामने ला पाएं और हम आगे भी लाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए वायरल झाड़सुकड़ा के साथ। प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट, मेन रोड, स्टेशन चौक, झाड़सुकड़ा। विजिट फॉर कंफर्टेबल स्टे एंड क्वालिटी फूड।